मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई पर कहा है कि आईएएस अधिकारियों का नाम आना हम लोगों के लिए शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा था। ईडी की कार्रवाई पर टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए और कहा कि जिस प्रदेश में आम आदमी पार्टी एनसीपी टीएमसी कांग्रेस पार्टी हो उसी प्रदेश में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कहीं और भ्रष्टाचार नहीं है। तो बातों ही बातों में लेकिन एक बड़ा निशाना उन्होंने केंद्र सरकार पर भी साधा है और कहा है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, टीएमसी कांग्रेस है, क्या वहां पर ही सिर्फ ईडी की कार्रवाई है, क्या वहीं पर ही सिर्फ भ्रष्टाचार है, क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, इस विषय में आपको सुनाते हैं। तो मनेन्द्रगढ़ में एक बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया। प्रदेश के ईडी की कार्रवाई पर बोला है, ईडी के संबंध में यह बात जरूर आती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष इसलिए नहीं दिख रहा कि जहां भी कार्रवाइयां देश भर में हो रही हैं ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही है। हमने कर्नाटक में देखा वैसे ही हो रहा है, महाराष्ट्र में देखा वैसे ही हो रहा है, दिल्ली में देखा वैसे ही हो रहा है, बंगाल में देखा वैसे ही हो रहा है, अभी यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये दो पहलू हो जाते हैं, ईडी की विश्वसनीयता धूमिल हो जाती है अगर ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक पक्षीय अर्थात सत्ता पक्ष, केंद्रीय सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से पृथक अगर कोई खड़ा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ईडी के संबंध में ये बात जरूर आती है कि उनका व्यवहार तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तमाम बातें कही कि ईडी के संबंध में ये बात जरूर सामने आती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एनसीपी है, टीएमसी है, यानी कि केंद्र के जितने भी विरोधी दल हैं उन्हीं राज्यों में क्यों ईडी की टीम कार्रवाई करती है, क्या किसी और राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। बातों ही बातों में एक बड़ा सवाल उन्होंने अपने बयान से उठा दिया है।